अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जी फ्रेंड, आज मैं बनाने लगी बैंगन का रायता, वो भी मेरे स्टाइल से। चले बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड, ये मेरे पास ये 500 ग्राम मतलब आधा किलो मेरे पास बैंगन है, इसको अच्छे से धो के मैंने कोशा कर लिया। चले मैं आपको उसका पैसा फर्स्ट मेथड बताती हूँ कि सबसे पहले इसको क्या करना है, तो फिर बाकी इंग्रीडियंट्स जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। चले सबसे पहले मैं फ्लेम को ऑन करती हूँ। जी फ्रेंड, जी मैंने फ्लेम को ऑन कर ली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड जी देखिए, इस तरह ये सिर्फ एक ही रखा है इस पर और दूसरा चूल्हे पे रखती हूँ, दूसरे चूल्हे पे। और फ्रेंड जी देखें, ये छोटे चूल्हे पे भी एक ही रखूँगी और बड़े पे भी एक रखा है और छोटे पे भी एक रखा है। अब इसको जो है ना ऑलमोस्ट 10-10 मिनट मैं दोनों मीडियम पे लो फ्लेम पे रख के इन दोनों को 10-10 मिनट पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये अच्छे से जल जाएगा तो फिर मैं आपको भी ये दिखाऊँगी भी वक्फे वक्फे जब। तो ये आराम आराम से ये देखें, बिल्कुल आग जो है ना मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है इसकी भी, और ये देखें इसकी भी। अब ये बिल्कुल लो फ्लेम पर पक रहा है, ठीक है। ये जब अभी थोड़ा सा जलना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं आपको वक्फे से कम 10 मिनट बाद जो है ना इसको चेक कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से ये पक जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं फिर। जी फ्रेंड, ये देखिए ये पकना शुरू हो गया। ये देखिए, असल में ये चूल्हा बड़ा था, फिर इसके ऊपर एक एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए फिर मैंने दो कर दिए। ये देखिए यहाँ पकना शुरू हो गया। मैं फ्लेम लो करके ज़्यादा तो फिर आपको करीब से भी दिखाती हूँ। ये हो गया फ्लेम स्लो। ये देखिए, ये इस तरह पकना शुरू हो गया। अब ये चले मैं इसको दूसरे को भी टर्न कर देती हूँ। ये देखिए ये पक गया। ये देखिए, अब इसको मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ ताकि ये और अच्छे से पक। ये देखें, और ये जो दूसरा रखा हुआ था ये भी काफ़ी हद तक पक चुका है। अभी इसको ऑलमोस्ट जो है ना 10 मिनट भी नहीं हुए हैं। ये इसकी साइड चेंज कर देती हूँ इसकी भी। इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट तो लाजमी लग जाएंगे देखिए पकते हुए, क्योंकि मैंने बिल्कुल फ्लेम को लो किया हुआ। चलिए ये पकते थे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड ये देखेंगे ऑलमोस्ट डन हो गया। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दिया ये वाला, और अब ये देखेंगे इसको यहाँ से पकड़ के बड़े बड़े एहतियात के साथ इसको पकड़ के। तो फ्रेंड मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास पानी है एक बाउल में, और इसको मैंने इसमें इस तरह इसको डिप कर दूंगी। कम से कम इसको जो है ना 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी। और ये देखें, ये भी जो डन हो गया, अब इसको भी फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। अब इसको यहाँ से हैंडल, ये हैंडल से आराम से पकड़ के इसको मैं इस तरह पानी में छोड़ दूंगी। ये देखें एहतियात से, ताकि आपके हाथ नहीं जले, ठीक है। ये देखें, ये मैंने तीनों जो है ना इसको पानी में डिप करके रख दिया। अब इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट में वेट करूँगी ताकि ये ठंडे हो जाए, और इसको मैं अगला मेथड में ठंडा होता है फिर मैं आपको बताती हूँ इसके आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे। जी ये फ्रेंड्स, ये देखें ये सारा ये ठंडा हो गया। अब इसको आराम से इस तरह पानी भी इसका रिमूव कर देंगे, इसको इस तरह इसको यहाँ पर निकालते रहेंगे। ये हाँ जी फ्रेंड, ये देखें, ये मैंने 3 दरमियाने प्याज लिए हैं, उसको तकरीबन 1 घंटा हो गया इसको पानी में डिप किया हुआ था, ताकि इसकी कड़वाहट और जो है ना ख़त्म हो जाए अच्छे से, और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और अब चलें, अब इसको सबसे पहले इसको इसको छील लेती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये देखिए, मैंने आपको करीब से दिखाती हूँ, मैंने अच्छे से पील ऑफ कर लिए और ये इसके छिलके मैंने रिमूव कर दिए। चलें अब सबसे पहले एक बाउल लेती हूँ, तो इसके ये इसके ऊपर से ये कट कर दूँगी, और ये बाकी जो है ना ये देखेंगे हाथों से साफ हो जाएगा। इसको मैं यूँ आराम से पकड़ के ना ये देखें यूँ रिमूव कर लूँगी। चलिए सबसे पहले आप बोल लेती हूँ, तो उसमें इसको डालते हैं और इसको मैश करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी जो मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक अदद बड़ा बाउल ले लिया। अब इसमें सबसे पहले मैं दही डालती हूँ। जी फ्रेंड, मैंने सबसे पहले थोड़ा सा दही इसमें ऐड किया। अब इसमें मैं डालूँगी ये हरा धनिया और ये हरी मिर्च। चलिए अब इसको सबसे पहले मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। ब्लेंड की मदद से मैं इसको पहले ब्लेंड कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड, ये देखें सारा मैंने दही को बीट कर लिया। अब इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले, ये देखें फ्रेंड, ये मैंने बनाया बैंगन को, इसको अच्छे से मैंने ये चम्मच की हेल्प से ना इसको यूँ मैंने मैश कर लिया, क्योंकि ये बिल्कुल गला हुआ था। अब मैं इसमें ये डाल देती हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी बाकी चीज़ें भी, और इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि ईजी हो जाए, हल करना इसको आसान हो जाएगा। चलें अब इसमें बाकी दही मैं सबसे पहले ऐड कर लेती हूँ। जी फ्रेंड, ये देखें मैं दही डाल दी। अब इसको अच्छे से बीट कर लेती हूँ साथ साथ। ये देखें इसको हल कर लेती हूँ साथ साथ। ये देखें अब इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले ये 2 अदद हरी मिर्च मैंने ब्रीक चॉप की है, और 1 अदद खीरा ये छिलके वाला, और 1 ही खीरा जो है ना मैंने विदाउट जो छिलके थे ना वो किया था साथ। अब इसमें मैं डालूंगी
ये लाल मूली और सलाद के पत्ते, ये मैंने सारा अच्छे से धो के साफ कर लिया चीजों को। ये देखिए माशाल्लाह किस कदर कलरफुल लग रही है। अभी फ्रेंड्स में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। अब इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले प्याज। ये फ्रेंड्स में मैं दही डालूंगी, प्याज मैंने अच्छे से इसको धो लिया। आप लोग जो इसमें वेजिटेबल्स है ना वो सारे अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, कम ज्यादा करना चाहें या इसमें और कोई सब्जी ऐड करना चाहें, गाजर वगैरह भी तो ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसको सारा मिक्स कर लिया। ये देखिए चलिए अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले नमक ऐड करती हूँ। सबसे पहले मैं नमक ऐड करूँगी इसमें। नमक हस्बे ज़रूरत है, आप जितना लाइक करते हैं, और आप इसमें बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप इसको चावलों के साथ, पुलाव के साथ, आप इसको वेजिटेबल पुलाव के साथ, चिकन पुलाव के साथ, या आप रोटी के साथ भी बनाएंगे तो ये आपको बहुत मज़ा आएगा। ये एक चम्मच इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड की है, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च भी ऐड की हुई है, और एक टीस्पून जो है ना इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। ज़्यादा नहीं मैंने स्पाइसी ऐड करने, क्योंकि बच्चों ने भी खाना है। अब इसको अच्छे से हिला लेती हूँ। ये फ्रेंड बहुत ही हेल्थी जो है ना ये बना है। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के घरों में किस तरह के रहते बनते हैं। अगर इस तरह का रहता बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये आप लोगों के लिए न्यू है तो एक दफ़ा बना कर ज़रूर ट्राई कीजिए, और जब आपको पसंद आए तो वापस आके मेरे चैनल पर एक अच्छा सा खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोगों के कमेंट्स की, आपकी लाइक की मुझे बड़ी अच्छा ज़रूरत होती है। आप लोगों के एक्सपीरियंस हैं वो मुझे हिम्मत देते हैं ये चीज़ें। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए रेडी हो गया। चले अब इसको शिफ्ट करती हूँ बॉल में। ये देखिए मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग की शान है। देखिए किस कदर खूबसूरत बना है। और प्लीज़ बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।